और ये भी एक मंदिर है दोस्तों, देख सकते हो उस वाले मंदिर से, ये वाली बड़ी जो मंदिर है ना, इसके बगल से एक मंदिर ये भी है। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग आए हैं। इस यही देखे रास्ता, दोनों देखे हैं बट उस वो रास्ता बंद है अभी, तो इस वाले रास्ते से सब लोग जाते हैं। और इधर भी बहुत लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, देखो आप सब, बहुत अच्छी जगह यहाँ पे उस वाले पुल पे। अभी मैं उस वाले पुल पे था एंड वहाँ तक गया था क्योंकि गेट लॉक है, तो मैं इस लेके इस राउंड होते हुए इस वाले गेट से अंदर आ रहा हूँ। और ये वो मंदिर है एंड ये पार्क है, बहुत अच्छी पार्क है। एंड नारियल का पेड़ तो यहाँ बहुत सारा है क्योंकि गंगा नदी बगल में है, उस साइड गंगा नदी है। सो फाइनली दोस्तों, मैंने जूता उतार ही रहा हूँ अभी, क्योंकि अंदर जाने के लिए जूता उतारना ज़रूरी है, वरना आप अंदर जा नहीं सकते। और ये वो गेट है जहाँ से अंदर जा सकते हैं। कुछ लोग जा रहे हैं अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो सब लोग जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ आप सबको यहाँ का। इस वाले मंदिर का जो यहाँ पीछे है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वहीं चल रहा हूँ। तो अभी जूता उतार दिया मैंने, बिना जूता उतारे तो आप अंदर जा ही नहीं सकते, तो आ जाओ आपको मैं दिखा। तो ऐसे देख सकते हो, ये छोटा मोटा बगीचा बोल सकते हैं या फिर पार्क बोल सकते हैं, बगीचा वहीं बोलेंगे यार दोनों साइड। ये इस वाले मंदिर के दोनों साइड छोटा मोटा बगीचा है, और उस वाले मंदिर पे जाने का रास्ता वो है जहाँ से लोग जा रहे हैं। इस वाले मंदिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अच्छा से भी। बहुत अच्छी जगह यार, मेरे यहाँ से तो वन ऑफ द बेस्ट जगह भागलपुर में है जो गुप्पा घाट। आप सब भी आ सकते हो, ज़्यादा दूर है नहीं भागलपुर, बहुत सारे लोग आए हुए, बहुत ज़्यादा फोटो खिंचा रहे हैं। इस वाले मंदिर के लिए ना, उसके बाद यहाँ से गेट है जहाँ से ज़्यादा साइड से है, इस तरफ तो ज़्यादा अच्छा राउंड होके जाता है, तो मैं भी वहाँ भी जा रहा हूँ। वहाँ भी जूता उतारने पड़ेगा मुझे पता है, बट बैग तो लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बैग की कोई गारंटी नहीं ले सकता साथ में, क्योंकि बैग में मेरा पूरा सेटअप का सामान भी है। तो इस वाले मंदिर से मैं निकल चुका हूँ, अब चलता हूँ इधर से आ जाऊँ। गेट है जो जिससे मैं पहले आया था, ये गेट लॉक था, तो मैं ऐसे राउंड लेके इस वाले मंदिर से होते हुए यहाँ से आ चुका हूँ। एंड यहाँ से वो मेन गेट है एंड प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ये मंदिर है और ये मंदिर बहुत ऊंची है, ऊपर बहुत अच्छी खुल गई है, नीचे इसके चारों ओर परिक्रमा करके फिर से वापस से राउंड लेते हैं। उस वाले मंदिर वहाँ भी हो गए, उस वाले मंदिर पर भी सब जाते हैं। और ये मेन गेट है बट ये मेन गेट लॉक है अभी, तो उस वाले से राउंड होते हुए यहाँ तक आना पड़ता है उस वाले गेट से, इस वाले गेट। फाइनली मैंने दोनों मंदिर घूम लिया, ये वाला मंदिर और ये वाली मंदिर भी, यहाँ पे मेरे पीछे दोनों मंदिर मैं घूम चुका हूँ, अच्छी जगह है, दोनों को दिखा भी चुका हूँ। अब यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से अपने दोस्त के पास, मेरे दोस्त से स्वागत कर रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। फिर से सामने भागलपुर का लोकल मार्केट दिखाऊँगा जो अच्छी जगह घूम, और आगे से तेज धूप आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा आँख नीचे हो रहा है। निकलता हूँ अब यहाँ से फटाफट अपने दोस्त के पास।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं 6 और अभी मैं हूँ भागलपुर। भागलपुर ये एक पार्क है, छोटा मोटा सा, कौन सा पार्क है, मेमोरियल पार्क है नाम है शायद कुछ। अभी मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, यहीं रुकूँगा आज रात, फिर कल निकलूँगा अगले सुबह मंदारिल के लिए। तो अभी मैं देख सकते हो अभी मैं हूँ तिलका मांझी जस्ट एग्जिट लोकेशन पे, ये है तिलका मांझी रोड भागलपुर। अभी रात रुकूँगा यार अपने दोस्त के रूप में, अभी मार्केट ऐसे निकलने वाला हूँ, वैसे लोकल मार्केट में मैं घूम रहा हूँ, दिखाता हूँ इधर लोकल मार्केट चल रही है पूरा। ये एग्जिट मतलब तिलका मांझी चौक जो वहाँ है भागलपुर का, तो गेट है लोकल मार्केट यहाँ की है, इधर से रास्ता इधर चले जाती है। और भाई साहब बहुत ज़्यादा यहाँ क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा जाम भी है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं आवाज़ कितने आ भी होगा या नहीं पता नहीं। तो अभी मैं फटाफट से अपने रूम चल रहा हूँ, कुछ सामान लेना है खाने का, किसी रूम पे जाना होगा तो चलते हैं। थोड़ा सा जो है ना जेब हमरो ढिला करने का मौका मिला है, लेके आ गए हैं मोमोज और दोस्त के रूम का है, खाएंगे अभी, बहुत सुकून मिलेगा, 3 से कुछ नहीं खाए, बहुत जोर से था पेट में भूख, तो गए थे मार्केट घूमने, घूमे तो नहीं, मोमोज मिला लेके आए हैं, खाएंगे, खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर कल भोरे निकलेंगे घूम भंडार हिल, तो आप सबको घुमाएंगे। थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज है लेकिन क्या करें, देहाती बंदा है तो बनता है इतना। तो अब जाते हैं हिंदी भाषा में, तो फिर कल से निकलेंगे, कल का टूर अलग होगा, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, फिर कल का ब्लॉग अलग अंदाज में, नए अंदाज में लाएंगे आप लोगों के लिए। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग में और सपोर्ट कीजिए, और क्या, खुश रहिए, जिंदाबाद, जय हिंद।